हेलो एंड वेलकम टू टेक्टोनिक। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे इंटेल की 13 जनरेशन काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली है एंड क्यों ये लोअर एंड के अंदर एएमडी को भी बीट कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे कि एएमडी अपनी तरफ से AM5 चिप्स लेकर आने वाली है एंड इंटेल की तरफ से इंटेल 13 जनरेशन निकालने वाला है यानी कि रैप्टर लेक। एंड यूजुअली जैसे इनके अंदर i5 या फिर राइजन वाले प्रोसेसर होते हैं वो इसके अंदर आएंगे, लेकिन वो कौन सी कंपनी है जो लो बजट पीसी बिल्डर का ध्यान रखेगी? तो इसका आंसर है इंटेल एंड मैं बताता हूँ कैसे। तो अगर आप कंप्यूटर बिल्ड करते हो तो उसमें रैम तो लगानी ही पड़ती है एंड यही इंटेल की नेक्स्ट जनरेशन एक बेटर ऑप्शन बन के आती है, क्योंकि एएमडी जो प्रोसेसर रिलीज करने वाली है चाहे वो राइजन 3 हो, एथलोन हो या फिर राइजन 9 हो, ये सारे प्रोसेसर सिर्फ DDR5 रैम को सपोर्ट करेंगे, DDR4 को नहीं करेंगे। DDR5 रैम काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एंड इसी के वजह से ये काफी महंगी भी है। आजकल के टाइम के अंदर जो DDR5 रैम है वो लिटरली डबल प्राइस में मिल रही है DDR4 के कंपैरिजन में, प्लस जो उससे परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है DDR4 के कंपैरिजन में वो भी इतना ज्यादा मेजर नहीं होता है। अगर आपको प्राइस कंपैरिजन की बात करनी हो तो 16GB DDR4 आपको मिलेगी 5000 के अंडर एंड जो 16GB DDR5 मिलेगी आपको 10000 के आसपास। एंड जब आप एक बजट बिल्ड कर रहे होते हो तो 5000 का काफी फर्क पड़ता है। बट इतना ही नहीं, जो इंटेल के प्रोसेसर होने वाले हैं उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, या तो आप DDR5 के साथ जा सकते हैं या तो आप DDR4 के साथ जा सकते हैं। एंड एटलीस्ट अभी के टाइम पे जब DDR5 रैम के प्राइस कितने हाई हैं, उस समय ये छोटा सा डिफरेंस काफी बड़ा हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर आप एक हाई एंड सिस्टम बना रहे हैं जिसके अंदर आप i7 या फिर i9 या फिर Ryzen 7 या फिर Ryzen 9 लगाने वाले हैं एंड उसकी प्राइस 1 लाख से ऊपर होने वाली है, वहाँ उतना फर्क नहीं पड़ता, वहाँ आपको DDR5 ही लगानी चाहिए क्योंकि ये ज्यादा फ्यूचर प्रूफ रहेगी एंड हाँ इसके अंदर थोड़ा सा तो परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है। बाय द वे जो इंटेल की जो रैप्टर लेक है 13 जनरेशन ये लॉन्च होने वाली है अक्टूबर में एंड ऑल्सो LGA 1700 सॉकेट को सपोर्ट करेगी। इसका मतलब जो 12 जनरेशन के मदरबोर्ड थे उस पे भी ये कंपेटिबल रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे भी AMD हारती है, क्योंकि जो AMD के नए मदरबोर्ड आने वाले M5 वाले वो पुराने CPU को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। तो ये था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं।